अध्यक्ष मंडल के सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता सुशील जी, नीरज सेठी जी, अनंत जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है। जैसे देश प्रदेश आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम, इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय चमोली जी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है। और आपने अनेकों कार्य इस क्षेत्र में पहले किए हैं, अनेकों यहाँ पर विकास की योजनाओं को आप लाए हैं, अनेकों योजनाओं को आपने मेरे द्वारा भी घोषित करवाया है, बहुत सारी योजनाओं का धनावंटन भी हो गया है और आगे भी निश्चित रूप से अभी आपने दो तीन बातें यहाँ पर रखी हैं। एक तो आपने विद्यालय की बात की है, निश्चित रूप से उसका हम लोग आकलन करवा लेंगे। स्वास्थ्य केंद्र की भी बात की है, स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में और अम्बेडकर भवन हम कोशिश करेंगे कि समाज कल्याण से उसका एक आपकी तरफ से आ जाएगा प्रस्ताव, तो उसको भी जो है जरूरी है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है और जो हमारे अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है और जो समाज का अंतिम छोर है, समाज के अंतिम छोर में सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारी भी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मन की बात का कार्यक्रम सुनने का आप सबके बीच में अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूँ, बड़ी संख्या में आप आए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के काम हुए हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए, अभी आप देख रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव जो अमृत कलश यात्रा दिल्ली में जिसका समापन होगा, जो पूरे देश के 7,500 ब्लॉकों से जाने वाली पावन मिट्टी वहां पहुंचेगी और उसके बाद इस अमृत महोत्सव का समापन होगा, जो लंबे समय तक चलने वाला आयोजन था, महोत्सव था। और उस महोत्सव में हमने देश के अंदर जितनी हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जितने हम आगे बढ़े हैं और इस उपलब्धियों में जो सम्मिलित रहे हैं, कुछ के नाम आए कुछ के नहीं आ पाए, आजादी के जो लड़ाई बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के पश्चात हम सबको आजादी मिली, उसमें भी अपना योगदान करने वाले ऐसे बहुत सारे नाम थे जो सामने नहीं आ पाए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी को देश की जनता के सामने लाने का काम किया। और ऐसे नाम जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहने चाहिए, उनके मन मस्तिष्क पर आने चाहिए कि आखिर ये देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, आसानी से नहीं मिली, बहुत कठिन संघर्षों के कारण देश को आजादी मिली है। और हमारे
जो आने वाले कर्मधार हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सबके स्मरण में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अब ये अमृत काल हमारा प्रारंभ हो गया है और अमृत काल, इस अमृत काल को हम सब कह सकते हैं कि ये हमारे देश का कर्तव्य काल भी है। यानी कि हर व्यक्ति को कर्तव्य करना है, जो जिस जिम्मेदारी पर है, जिस दायित्व पर है, उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना है। हमारी माताओं बहनों को जैसे घर में काम करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, उनके अंदर संस्कार देने का काम करना है, उसी प्रकार से कार्यालयों में काम करने वाले, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, उन सभी को ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ कामों को आगे बढ़ाना है। हमारे विद्यार्थी हैं, उनको अपनी शिक्षा का अध्ययन पूरा मनोयोग से करना है। यानी कि जो जिस क्षेत्र में शिक्षक है तो उसको शिक्षा देने का काम ईमानदारी से करना है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपना आउटपुट, अपना पूरा परिश्रम करके लोगों की सेवा में लगाना है। हमारे वैज्ञानिक हैं तो उनको वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने हैं, आविष्कार करने हैं, और वो कर भी रहे हैं। यार आप देख रहे हैं कि अभी अभी हम लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान चंद्रमा में भेजने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और हम दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले देश बन गए। चंद्रयान वहां शिव शक्ति नाम से स्थापित हो गया। आदित्ययान हमारा, उसका प्रक्षेपण सफल प्रक्षेपण हो गया। आज चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने देखा भारत के अंदर G20 समूह की जो बैठक है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इससे पूरे भारत को दुनिया ने देखा, हमारे उत्तराखंड के अंदर भी पूरी दुनिया के देशों के लोग आए और हमारे उत्तराखंड को भी देखकर गए। भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा सामर्थ्य है, पूरी दुनिया ने देखा है। कोरोना महामारी को हम भूल नहीं सकते। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिक अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाते, उसका जल्दी से जल्दी आविष्कार नहीं करते, हमारे बड़े बुजुर्ग जानते होंगे जिस समय देश के अंदर पोलियो आया था, पोलियो की खुराक 15 साल तक नहीं आ पाई थी। भाइयों बहनों आप सोचिए कि अगर ये खुराक हमारे पास आज वैक्सीन नहीं आई होती, कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतना प्रयास नहीं करते, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित नहीं करते, अगर ये वैक्सीन नहीं बनती तो क्या हम और आप यहां बैठे होते? बताइए, बैठे होते अभी? बोलिए ना भाई, जोर से बोलिए। अरे हाथ उठा के बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं बैठे होते। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो काम किया जो घर के माता पिता करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं। अपने बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, बहन की चिंता, भाई की चिंता, माता पिता की चिंता, उन्होंने कभी और की तरह करी है। इतना ही नहीं, 2020 में जब कोरोना आ गया तो किसी की दुकान चलती थी, किसी का छोटा व्यापार चलता था, कोई छोटी नौकरी करता था, वो सब बंद हो गया। संकट उत्पन्न हो गया देश के अंदर कि कैसे लोगों को खाना मिलेगा, भूखे पेट तो नहीं सोएंगे लोग, भूख से तो नहीं उनकी जान जाएगी। तो भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई, खाद्य योजना, और उस योजना जो 2020 में शुरू करी गई, जिसमें प्रत्येक जो है यूनिट के हिसाब से सभी को अन्न देने की व्यवस्था उसमें की गई, और वो योजना आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। किसी को भूखे पेट नहीं होना पड़ रहा है, किसी के घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ। ये देश के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की चिंता करी। और इतना ही नहीं, जहां हमारे को वैक्सीन लगाई गई, देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, उनके घरों में अन्न भिजवाने का काम हुआ,
वही दुनिया के दूसरे देशों को भी, दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। उसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर आज हम विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, हमारे भाई बंधु रहते हैं, उनका सीना भी चौड़ा हो रहा है, क्योंकि आज लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारे देश को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर अनेकों काम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अगर सबसे पहले कोई काम किया तो केवल गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हर घर में शौचालय बनवाए, हर किसी का खाता खुलवाया, गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, लाइन में लगना पड़ता था, पैसे देकर भी घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम हुआ। बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया। ऐसे अनेकों योजनाएं, हर घर में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई है। आज उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां पढ़े, उनके लिए हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति योजना भी हमने चलाई है। छात्रवृत्ति देने का काम हम करेंगे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आयुष्मान भारत योजना में आज उत्तराखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सभी के लिए आयुष्मान भारत में 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करवाने की योजना हम यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे अनेकों काम कर रहे हैं। आज हम सभी को काम पर लेने के लिए अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट यहां कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनके कारण से हमारे राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी आजीविका बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उनके घरों का आर्थिकी बढ़ेगी। हर प्रकार से उस चीजों को बढ़ा रहे हैं, हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को यही काम मिले। और बहुत सारे नए नए उपक्रम करके, नए नए लोगों के साथ अनुबंध करके यहाँ पर हम विदेशों के लोगों को लाकर उनके साथ भी उनके स्किल को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार के समझौते कर रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर देश दुनिया में जाकर अपना रोजगार स्थापित करें। हमें कोई स्थापित हो जाए। और अभी अभी पिछले दिनों यहाँ से एक बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के बच्चे ITI पढ़ने के बाद, अन्य पढ़ने के बाद, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में पढ़ने के बाद अभी जापान के लिए गए हैं। जापान में उनको नौकरी मिल गई है। आने वाले समय में जर्मनी में जाकर काम करेंगे, फ्रांस में काम करेंगे, अनेकों देशों में जाकर काम करेंगे। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में मास्टर प्लान, हमारा पुनर्निर्माण का काम, यहाँ रेलवे की अच्छी व्यवस्था, अभी अभी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से दिल्ली से देहरादून की चलेगी। आने वाले समय में और भी सुविधाएं यहाँ होने वाली है। यहाँ का हवाई अड्डा बढ़ने वाला है। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए हम 2 घंटे में जो है दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में आपको 2 घंटे में ही लगेंगे यहाँ से, तो कितनी सुविधा हो जाएगी। ये सारे काम यहाँ पर तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि विनोदा ने कहा कि मुझे लगा कि आप सब लोग इतनी माताएं बहने मिली है, उनको पता होना चाहिए कि देश के अंदर मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वो सब काम किए हैं जो गरीब जनता को इसकी जरूरत थी। हमारे अनुसूचित बस्तियों को, पिछड़ी बस्तियों को, हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को जो आवश्यकताएं थी, यानी कि जो जरूरत थी, जो होना चाहिए था, उन्होंने इन 9 सालों में इन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ी है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी आज हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं रुक रहा है, सब काम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश पीछे हो जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व के कारण से, उनकी सूझबूझ के कारण से। जहाँ गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, वहीं देश को आगे बढ़ाने का भी काम हो रहा है। अभी हम 5वें नंबर की, पूरे विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। आने वाले समय में हम बहुत जल्दी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री बन गए। मैं आज के अवसर पर पुनः एक बार हमारे बूथ अध्यक्ष जी का, हमारे संयोजक जी का, सतीश जी का, मंडल अध्यक्ष जी का,
और महानगर अपने महानगर की पूरी टीम का, हमारे सिंगर जी का, सबका मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करते हुए, और आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की भी, आप त्योहार त्योहार भी आने वाले, जल्दी दीपावली आने वाली है, छठ पूजा भी आने वाली है, भैया दूज भी आने वाला है, गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, धनतेरस भी आने वाला है, गंगा स्नान भी आने वाला है, गुरु पर्व भी आने वाला है, इगास भी आने वाला है, वो तो हमारा प्रमुख त्यौहार है इगास की भी। मैं आप सभी को, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इगास पूरे धूमधाम से मनाया था, इस वर्ष भी हम सब बहुत धूमधाम से मनाएंगे, एक बार फिर से आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपका धन्यवाद।